मेरा नाम है शबनम शेख। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए, और आज मुझे टोटल हो गए हैं 17 दिन। कहाँ से शुरुआत की थी? हमने ये यात्रा मुंबई से शुरुआत की। मन में कैसे आया आपके विचार के हमें यात्रा करनी है? देखिए, श्रद्धा के लिए कोई मन में विचार आना जरूरी नहीं है। राम जी को हम बचपन से मानते हैं। मैं मुसलमान फैमिली में पैदा हुई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल अल्लाह को मानती हूँ। हम जितना अल्लाह को रिस्पेक्ट करते हैं, जितना हम नबी को रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही हम रिस्पेक्ट राम जी को करते हैं। और जो अदर भगवान जी है, कृष्ण भगवान जी है, हनुमान जी है, शिव भगवान जी, सबको हम उतना ही रिस्पेक्ट। तो किस तरह का उत्साह और जोश है आपने यात्रा को लेकर? बहुत जोश है हमें। इतने कड़ाके की ठंड में भी हम प्रभु श्री राम जी का नाम लेके बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, सफर मुंबई से शुरुआत की थी, अब भोपाल पहुंचने वाले, तो बहुत बहुत जोश है हमें। कितने दिन हो गए आपको ये सफर करते करते और कब तक पहुंचे? जैसे मैंने पहले ही बोला, 17 दिन हो चुके हैं। कब तक पहुँचेंगे अयोध्या? कब तक पहुंचेंगे इसका तो हमें कोई पता पता नहीं है, लेकिन जब भी पहुंचेंगे राम जी के दर्शन लेकर के हम आएंगे मुंबई। क्या संदेश देना चाहेंगी? देश को यही संदेश देना चाहूंगी कि राम जी सबके हैं। और अभी राम धुन केवल शबनम शेख के अंदर ही नहीं आ रहा है, राम धुन अभी मौलानाओं के अंदर भी आ रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे विजुअल्स देखे, वीडियोज देखे सोशल मीडिया पर, कि राम भक्ति में लीन अभी मौलाना भी हो रहे और अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये नया भारत है। बचपन से एक हिंदू इलाके में रही हूँ, जैसा देश वैसा भेष, उनका गुण मेरे अंदर है। वेशभूषा, खान पान, बोल चाल, सारी चीज, तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है कि मैं बचपन से उनके बीच में रही हूँ। विरोध का सामना भी करने को मिला? हाँ, विरोध का सामना देखने मिला है मुझे सोशल मीडिया पे, जो मेरे चरित्र पे लालचन लगा रहे कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। क्यों? क्योंकि उनको कोई मेरी ऐसी चीज मिली नहीं कि जिससे वो मुझे बदनाम कर सके, मेरी यात्रा में वो बाधा डाल सके, मुझे डीमोटिवेट कर सके। तो कहीं ना कहीं वो गालियाँ पक रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस प्रशासन से मैं यही विनती करूंगी कि जो ऐसे खुलेआम महिलाओं को गाली देते हैं, टॉर्चर करते हैं, मतलब उनको जेल में डालना चाहिए।